हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 डी का क्वेश्चन नंबर ये है 4। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज हम मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है A contractor undertakes to dig a canal 6 km long in 35 days and employed 90 men. He finds that after 20 days, only 2 km of canal have been dug. How many more men must be employed to finish the work in time? Question agar nahi samjhaya hoga, तो फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा, ठीक है? अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कैनाल कितने किलोमीटर था? 6 किलोमीटर था कैनाल, और डे कितने थे? 35 डे में हमें पूरा करवाना था, ठीक है? 35 डे में हमें पूरा करवाना था, और जो है लेबर कितने लगाए गए थे? 90 लेबर लगाए गए थे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे पता चला, ही फाइंड दैट आफ्टर 20 डे ओनली 2 किलोमीटर कैनाल है बीन डग, ठीक है? उसे 20 दिन बाद पता चला कि 20 दिन में सिर्फ 2 किलोमीटर कैनाल जो है खोदा गया है। तो अगर हम यहां लिख सकें आफ्टर 20 डे, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है? तो 20 दिन बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको पता चलता है कि जो लेबर लगाए गए हैं वो जंगर चुराई कर रहे हैं। तो काम कितना हुआ? 6 किलोमीटर कैनाल में उसने 2 किलोमीटर कैनाल बनाए थे, 20 दिन खा गए थे सब। 2 किलोमीटर कैनाल बनाने में 20 दिन खा गए, और जो है जो कि 90 मैन थे, ठीक है? तो बचा हुआ क्या था? बचा हुआ टाइम था 15 दिन, क्योंकि 20 दिन तो ये खा ही गए थे। तो 20 में से 35 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 डे बचेगा, ठीक है? तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर था, अब उसे सोचा हमें पूरा टाइम 35 डे का ही मिला है और हमें 35 डे में ही करवाना है, तो मतलब 20 दिन तो खा चुके हैं, बचा हुआ डे कितना है? 15 डे है, और इसी 15 डे में हमें बचा हुआ 2 किलोमीटर बन चुका है, तो 2 में से 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 किलोमीटर बचा। तो 4 किलोमीटर कैनाल बचा हुआ है, 4 किलोमीटर कैनाल को 15 दिन में करवाना है, तो 90 जो लेबर थे उसके साथ और कितने लेबर मिला लिए जाएं कि हमें, मतलब 90 लेबर के साथ और कितने लेबर मिला लिए जाएं कि हमें जो बचा हुआ 15 दिन है उसमें पूरा काम हो जाए, ठीक है? क्योंकि 20 दिन तो खा गए थे, 15 दिन बचा था, 15 दिन में जो है हमें 4 किलोमीटर कैनाल बनवाना है और जो है कितने लेबर बढ़ाने हैं 90 लेबर के साथ, ठीक है? तो यही बताना है, ठीक है? तो अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे आफ्टर 20 डे, ठीक है? तो हो गया है आफ्टर 20 डे। आफ्टर 20 डे क्या होता है? आफ्टर 20 डे ये होता है कि बचा हुआ कैनाल क्या था, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग कैनाल, REMAINING, रिमेनिंग कैनाल। कितना रिमेनिंग कैनाल है? टोटल 6 किलोमीटर था, तो 6 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर बना हुआ है, तो रिमेनिंग कैनाल 4 किलोमीटर बचा हुआ है ना? अब 30 टोटल डे कितने थे? 35 डे, तो हम ये भी लिखेंगे 20 दिन तो लेबर खा चुके हैं काम करने में, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग डे। कितने डे बचा है? टोटल 35 डे था, उसमें से 20 दिन काम कर चुके हैं, ठीक है? तो बचा हुआ है 15 डे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है आफ्टर 20 डे के बाद, तो हम यूज करेंगे यहां एरो मेथड, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
कैनाल किलोमीटर में, तो और यहां हम लिखेंगे डे और यहां हम लिखेंगे मेन, ठीक है। तो 90 मेन मिलके 20 दिन खा गए हैं, 2 किलोमीटर बनाया है, यह चीज तो हो चुका है, ठीक है। अब तो बचा हुआ दिन क्या था, बचा हुआ दिन था 15 दिन बचा है, 15 दिन में हमें 4 किलोमीटर कैनाल बनाना है, 15 दिन में हमें 4 किलोमीटर कैनाल बनाना है, 15 दिन में यहां डे लिख देते हैं, यहां भी डे लिख देते हैं, यही वाला डे तो है, ठीक है। तो हमें कितने और मजदूरों को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यह हमें बताना है। तो अब हम समझने वाली बात यहां से यह शुरू होती है, यहां एरो मेथड यूज कर रहे हैं तो एरो कैसे लगाएंगे, जहां एक्स की वैल्यू लानी होती है वहां हम एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया है, अब इसी वाले कॉलम का फर्स्ट वाले कॉलम, फर्स्ट वाले कॉलम सेकंड वाले कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं सेकंड वाले कॉलम के साथ, इसको फर्स्ट कॉलम मान लेते हैं, इसको सेकंड कॉलम मान लेते हैं, इसको थर्ड कॉलम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं थर्ड वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो कॉलम इस वाले कॉलम के साथ अगर डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तो जिसका एरो नीचे है तो इसका भी एरो नीचे रहेगा, अगर डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तब, अगर डायरेक्ट वेरिएशन की जगह इनवर्स वेरिएशन में है तो इसका एरो ऊपर की तरफ रहेगा। ध्यान देते हैं क्या हो, 20 दिन में 20 दिन का काम, 90 लोग किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, अब उल्टा समझ लेते हैं, 20 दिन में जो है 90 लोग काम किए हैं, तो 15 दिन में काम करवाने के लिए 20 दिन में अगर काम करवाना है तो 90 लोग लग रहे हैं, तो अगर 15 दिन में काम करवाना है तो ज्यादा लोग लगेंगे, मतलब 20 के जगह ये 15 हुआ, ये कम हुआ, ये ज्यादा से ये कम हुआ, लेकिन ये जो है ये कम के जगह कम से ये ज्यादा हो जाएगा, ये 90 था ये कुछ और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा था, 20 ज्यादा है 15 कम है, तो ज्यादा से कम हुआ, ये जो है ये कम से ये ज्यादा होगा, तो ये ऐसा है तो ये इनवर्स वेरिएशन है, तो एरो ऊपर की तरफ लगेगा, अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता तो इसका एरो इसकी तरीके से लगता, ठीक है। अब इसका कंपेयर इसके साथ हो चुका है, अब इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं, ठीक है। 90 मैन 2 किलोमीटर खोदते हैं, 90 मैन 2 किलोमीटर खोल देते हैं, तो यहां जो बढ़ने वाला है, यहां तो आपको पता है कि यहां ज्यादा आएगा, 90 की जगह यहां कुछ और लेबर बढ़ने वाले हैं, तो अगर 90 मैन 2 किलोमीटर खोदते हैं तो ज्यादा मैन 4 किलोमीटर खोदेंगे ना, मतलब ये कि ये वाला वेरिएशन इसके डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो एरो आपको समझ में आ गया। अब करते हैं इसको सॉल्व, इसको लाते हैं, एक्स की वैल्यू लानी है तो 90/x हो रहा है तो x/90 लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसका एरो इस तरीके से हो गया, इसका एरो इस तरीके से हो गया, मतलब इसके इक्वल हो गया, तो इसके इक्वल हो गया तो इसको 20/50 लिख सकते हैं, ठीक है। x/90 इसका एरो नीचे है, इन्हों हमने इसको पलटा है, x/90 हो गया, 90/x था, x/90 हो गया, इसको हमने पलटा तो इसके इक्वल हो गया, तो 20/15 हो गया। अब लेकिन ये इसके जब ये पलटा जा चुका है तो ये इसके इनवर्स में हो चुका है, तो ये हो गया है 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने तो इसको देख लिया कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन, लेकिन फॉलो करने के लिए हमें सभी को हमें डायरेक्ट वेरिएशन में बनाना पड़ता है। हमने इसको जब पलटा तो हमने चेक किया कि इसके डायरेक्ट वेरिएशन में यह है कि नहीं, अगर डायरेक्ट वेरिएशन में तो हमने सेम सीधे सीधे इसको लिख दिया 20/50 लिख दिया। अब ये इसके डायरेक्ट वेरिएशन में यहां इस समय तो है, लेकिन ये जब पलटा जा चुका है तो ये इसके इनवर्स वेरिएशन में हो चुका है, तो हमने इसको 4/2 लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करते हैं 15/90, ठीक है, 2/3/6, ठीक है। अब क्या हो गया है, x की वैल्यू क्या आएगी, 20 × 40 40 हो गया, 4×3=12, 40
20 चौके 80, 80 23 तो 240, x की वैल्यू आ गई है 240, मतलब यहां 240 भरा जाएगा। लेकिन हमें आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर में लिखना है हाउ मेनी मोर मैन रिक्वायर्ड करना। तो हम यहां लिख सकते हैं मोर मैन रिक्वायर्ड, यहां लिख देते हैं टू फिनिश वर्क इन टाइम। क्या लिखेंगे, टोटल 240 में से पहले 90 थे तो हमें कितना यहां बचेगा 150, तो आंसर ये 150 है। तो अब हमें पता चल गया कि 150 मैन और लगेंगे, 90 मैन प्लस 150 मैन, टोटल 250 मैन हो जाएंगे, मतलब 150 मैन और लगाने की जरूरत है इनके साथ। तो काम जो है 35 डे में, मतलब बचे हुए दिन, मतलब 15 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब हम देखिए बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अरे बाय।